हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग ये शुरू होता है कि आज हमारा नॉर्मल डे है, जैसे रोज डेली डे होता है, ऑफिस का डे रेडी होता है। बट अभी मैं उठा हूँ तो फिर खाना वगैरह नाश्ता करना है, बाहर से मम्मा को कुछ सामान ला के देना है और फिर उसके लिए ऑफिस के लिए जाना है। तो पहले तो मैं फ्रेश हो लेता हूँ, नींद आती है इसलिए मैं शावर लेता हूँ थोड़ा सा, तो ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ। ओके, तो शावर लेने के बाद नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद बाहर सामान लेने जाना है, तो फिर आपको अपडेट करते हैं। कि आज मतलब जो पैंट थी, जो जीन्स मैंने पहनी थी, उसका थोड़ा मसला था, तो मैंने दूसरी निकाल ली। अब ब्लैक वाली जीन्स पहनूंगा, तो पहले तो ऐसे बोलूँ यार नहा लूँ, टाइम हो रहा है काफ़ी, फिर उसके बाद और फिर नाश्ता करना है, फिर बाहर भी जाना है। चले पहले मैं नहा लेता हूँ, फिर करता हूँ बात। वगैरह लिया है, अब हम तैयार भी हो गए हैं, तो अब बस नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद निकलते हैं फिर, और जी बैठ से कुछ सामान लेना है, फिर उसके बाद ऑफिस के लिए निकलते हैं। वी आर रेडी टू गो, बट अभी फ़िलहाल जाना है हमने एक दुकान पे, कुछ घर का सामान लेना है, सामान पकड़ा के फिर ऑफिस के लिए जाना है। वैसे हेलमेट वगैरह पकड़ लिया मैंने, बट सामान नीचे से पकड़ा के फिर निकल जाएंगे। फिलहाल चलते हैं, सामान पकड़ा दें घर पर। अब हम फाइनली पे जा रहे हैं ऑफिस, बहुत ज़्यादा मतलब घर वालों को भी काम शाम होते हैं, इन्होंने भी पकड़ा दबा कर रखा होगा, तो अब हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। ओके, मेरा हेलमेट पकड़ा दो। क्योंकि मैं बड़ा हैप्पी हैप्पी आ रहा था ऑफिस, बट रास्ते में मैंने एक सीन देखा कि जिस रूट से मैं आता हूँ उस रूट पे एक डेड बॉडी मैंने देखी, एक लेडी की डेड बॉडी थी, शायद वो ट्रेन से हिट होकर उसकी डेथ हुई है। तो वहाँ पुलिस वगैरह सारा रश था, और उसके बॉडी को देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान सा हो गया यार, उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी, क्योंकि इनफैक्टली को मैं दिखा नहीं सकता था कि उसकी कंडीशन क्या थी, और पुलिस वालों ने ना के कैमरा ऑन करने दिया, कुछ भी नहीं करने दे रहे थे, तो इसलिए मैं दिखा ना सका कि क्या था, बट वो बहुत ही ऐसा सीन था जो मेरी आंखों के सामने से अभी तक नहीं गया। अल्लाह पाक उसकी मगफिरत फरमाए जो भी औरत थी, बट यार वो बहुत बुरी कंडीशन थी, मैं अभी तक वो सोच के परेशान हूँ। मैंने आज तक भी मुँह वगैरह धोया, बट उसके बावजूद भी मैं ईजी फील नहीं कर रहा। मैं अब काम करना है ऑफिस का, तो अभी थोड़ी देर थोड़ा सा कोशिश करता हूँ उसको दिमाग से निकालने की, निकाल के फिर काम करता हूँ। अभी मैं मीटिंग में मैं इसलिए आया अकेला बैठने के लिए, ताकि थोड़ा उसको दिमाग से निकाल सकूँ। पता नहीं क्या वो मेरे दिमाग में चढ़ गया, इतना कोई बुरा सीन था यार कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कट बॉडी थी उसकी, बहुत अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरी हालत थी, बट हम यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, उसकी मगफिरत फरमाए। बहुत रश भी बहुत था वहाँ पर, मैं वापसी पर कोशिश करूँगा आपको वो सीन जहाँ पर हुआ वहाँ वो दिखाने की। अभी फ़िलहाल ऑफिस के लिए काम है, तो काम करता हूँ, फिर साथ साथ आपसे अपडेट दे करता रहता हूँ आपको।
नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं हम नीचे बेसमेंट में, तो नमाज़ के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। आ रहा हूँ बाहर खाना खाने ऑफिस से, क्योंकि ऑफिस में आ जाए हुए शलजम लंच में, तो शलजम मैं खाता नहीं हूँ, तो इसलिए बाहर चलते हैं कुछ देखते हैं, स्ट्रीट फूड में कुछ मिलता है तो वो खाते हैं। ओके ठीक है, अब हम लंच वगैरह करते हैं फिर उसके बाद ऑफिस वापस जाते हैं, फिर आज जल्दी घर जाना है, गैस में आना है कुछ, तो फिलहाल हम पहले कुछ खा लें। ऑफिस आ गया फाइनली, तो लंच वगैरह कर लिया, इसके बाद काम करते हैं, फिर उसके बाद घर के लिए निकलते हैं। ओके मिलते हैं। जल्दी घर जा रहे हैं, अभी रास्ते सिस्टर को लेना है, तो आज जल्दी घर जा रहे हैं क्योंकि गैस नहीं आना है। और आपको रास्ते में मैं वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने सुबह वो मंदिर देखा और मुझे पता लग गया वो हुआ क्या, तो वो भी आपसे शेयर करूँगा व्लॉग एंड करते वक्त। तो निकलते हैं, पहले अपनी सिस्टर को लेना है फिर घर निकलते हैं। वेदर बहुत प्यारा हुआ है, आपको मैं वेदर दिखाता हूँ। तो अब हम निकलते हैं, फिर पहुंच के आपको खबर देता हूँ। ये वो प्लेस है जिधर सुबह डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिधर से मैं गुजरा बट रास्ता यहाँ पर तब, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी रोशनी है इस जगह पे थी, मुझे लगा पहले कि शायद यहाँ पर पटरियाँ तो इस वजह से ट्रेन के नीचे कोई आके डेड हो गया, बट वो सीन कुछ और था, मैं आपको घर पहुँच के बताता हूँ। फिलहाल मैं आपको प्लेस दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर सुबह डेड बॉडी मिली, मतलब इतनी जाहिलियत फैल गई है यहाँ पर। मैं घर आ चुका हूँ और जैसा कि मैंने आपको रास्ते में दिखाई वो प्लेस जिधर मैंने सुबह डेड बॉडी देखी थी, तो उसका ये सीन था कि मैं जब ऑफिस गया, ऑफिस में खुद परेशान था, मुझे बाबा की कॉल आई, बाबा मुझे कह रहे थे कि वो बाबा भी उसी वे से जाते हैं ना, उसी रास्ते से जा रहे थे ऑफिस, तो बाबा कहते जब मैं जा रहा था तो तब कोई तोरे बॉडी के अंदर ना कोई डेड बॉडी थी पुलिस वाले, तब भी तब वो रास्ता बिल्कुल नहीं था। मैंने कहा जब मैं गुजरा हूँ तब वो एक औरत निकाली हुई थी उन्होंने, नीचे उसके बिछी हुई थी बॉडी, बट मैंने फोकस नहीं किया, मुझे लगा था शायद वो ट्रेन के नीचे आ गई होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। असल में इतनी जाहिलियत हो गई हुई है कि किसी ने ना उसको मार के कूड़े में फेंक दिया हुआ था, ये हिसाब हुआ था। तो मैं फिर भी बड़ा यार सैड सीन था बहुत ज़्यादा, आज सुबह सुबह ही बुरी खबर मिल गई, तो बड़ा सैड रहा यार, सारा दिन ऑफिस भी मेरा इतना कोई ख़ास नहीं रहा। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर था, इतना ही था बस, तो यही हुआ कि सुबह जब मैं रास्ते में गया तो रास्ते में डेड बॉडी देखी, मैं परेशान रहा ऑफिस में भी, फिर उसके बाद लंच वगैरह किया, फिर इजी थोड़ा हुआ, तो यहाँ तक कि आज मैं चाय पुना गया, पीना भी भूल गया ऑफिस में, तो अभी भी मैं चाय पीने लगाऊँ, ये देखें अब मैं चाय पीने लगाऊँ क्योंकि सर दर्द कर रहा है, तो ठीक है बाकी अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अच्छा अगर अच्छा अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बस यही था, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे कल।